हिमांग कुछ बोल रहे हैं? सर आंसर नहीं बताया। हाँ बोल हिमांग। सो पहले वाले का होगा 2-1, फिर 3, फिर 4, और दूसरे वाले का बिल्कुल भी सही वहां है। पर हाँ रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। दूसरे वाले का आंसर 1, 2, 3, 4 ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस दैट इज चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस दैट इज चार्जेस। और पहले वाले का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट केस, स्पेशली ये दो पूछे जाते हैं, CH3F और CH3Cl, CH3F और CH3Cl, CH3F और CH3Cl के अंदर CCl डिस्टेंस जो है, तुम खुद चेक करोगे, CCl डिस्टेंस ज्यादा है ना देन CF डिस्टेंस। म्यू जानता, म्यू जो है वो क्यू इंटू डी होता है, हर केस में डिसाइड करता है चार्ज, जितना ज्यादा चार्जेस होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट। अकेला ये केस है, ये याद रखना, CH3F और CH3Cl भूलना नहीं है, CCl डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसलिए डिस्टेंस देखते हुए डाइपोल मोमेंट CH3Cl की ज्यादा। HCl में मत कर देना ऐसा, CH3Cl में है, CCl डिस्टेंस ओवर पावर चार्ज, डिस्टेंस ओवर पावर चार्ज इन दिस केस, देयरफॉर CH3Cl देन CH3F देन CH3Br देन CH3I, ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, ये कर लेना। और किसी का सही हुआ है हिमांक के अलावा? सर मेरा भी सही था। गर्व का सही है, चलो सही है, नंदिनी का सही है, नंदिनी यस सर। कर रखा था क्वेश्चन पहले कि नहीं है? हाँ जी सर। ऋषि का सही है तुम्हारा भी? नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नया टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन नाम से लग रहा है कि इस बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, स्ट्रेंथ का भी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ काफी बार, 12 से 44 किलो जूल पर मोल। देखो नॉर्मली बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है सबको पता होगा, ये कितनी होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, 200 किलो जूल पर मोल, 300 किलो जूल पर मोल, 400 किलो जूल पर मोल, ऐसे होती है केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है 12 से लेकर के 44 किलो जूल पर मोल, ये स्ट्रेंथ है इसकी, यानी ये है तो बहुत वीक बॉन्ड, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है जिसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीज कर जाती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया से एच पे पॉजिटिव चार्ज और एफ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा मॉलिक्यूल आया, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, एच पे पॉजिटिव एफ पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव एफ पे नेगेटिव, ये होगा कि नहीं? सब में इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी आएगी। अब यहाँ पे एक वीक बॉन्ड बनेगा इधर, ये एक वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, ये एक वीक बॉन्ड बनेगा जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन, ये एक वीक बॉन्ड बनेगा जिसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 12 से 44 किलो जूल पर मोल, स्ट्रेंथ कितनी है, 12 to 44 किलो जूल पर मोल, ये एक वीक बॉन्ड बनाया आप, समझ गए कि नहीं है? और इस एक्स्ट्रा फोर्स आने की वजह से, ये इसमें स्ट्रेंथ मान लिया मैंने 40 किलो जूल पर मोल, 40, 30 कुछ कुछ भी हो सकती है, एफ है ना, एफ तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, क्या डेफिनेशन हो गई थी, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक, ब्रैकेट लिख देंगे, एफ ओ एन, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एफ ओ एन ऑफ द सेम और द अदर मॉलिक्यूल, ऑफ द सेम और अदर मॉलिक्यूल, बॉन्ड फॉर्म ए वीक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक एफ ओ और एन ऑफ द सेम और अदर मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है और अदर मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो ये हमारा
जो बॉन्ड बना है ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, HF का एक मॉलिक्यूल, दूसरे HF, तीसरा HF, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसे बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर। तो इन्हें कौन से बॉन्ड चाहिए? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आया कि नहीं? सर मुझे चीज पूछनी थी। हाँ, सी एच बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी है ये सिर्फ हाइड्रोजन ही को शो करता है, मतलब बाकी एलिमेंट्स में, मतलब बाकी कंपाउंड्स में तो ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट होता है, तो उसमें क्यों नहीं शो होता है बॉन्ड? हाँ, नहीं होता तो उसमें भी है, लेकिन उसमें 12 से 44 की वैल्यू पर मोल स्ट्रेंथ नहीं आती, डाइपोल डाइपोल है, जैसे HCl HCl आया तो उसमें स्ट्रेंथ आती होगी 12 से कम, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिया गया नाम। ओके सर, सर Cl भी शो करेगा प्रॉपर्टी? नहीं नहीं, Cl के अंदर नहीं, बस तीन ही एटम है, HF F O N, इसके अलावा मैं बाद में बताऊंगा और केसेस, जैसे CF3 है, जैसे CCl3 है, ये अलग से आपका लेना, ये पेपर में मत लिखाना, CCl3 है, सीट जो नॉर्मल पढ़ रहा है वो मत देखना, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, SP-hybridized कार्बन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें FON ध्यान रखना है, FON अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब सबको पता है, इंट्रा का मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर मतलब HF एक मॉलिक्यूल, HF दूसरा मॉलिक्यूल, ये इंटरमोलिकुलर दो तरीके का, होमो इंटरमोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल सेम चल रहे हैं, और दूसरा हेट्रो इंटरमोलिकुलर, होमो में HF का HF के साथ, मैंने ऊपर दिखाया हुआ है, होमो में HF का HF के साथ, और HF का अगर मैं वाटर के साथ दिखाऊं, HF और इधर वाटर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप है। हाँ, इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, HF का वाटर के साथ दिखाया तो इसे बोलेंगे हेट्रो इंटरमोलिकुलर, लेकिन इसमें मैं क्या शो कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फोर्थ आया, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ रही है। और अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, स्पेशली वाटर के साथ है, जैसे HF का इधर वाटर के साथ है, क्लियर, HF का किसके साथ है, वाटर के साथ है, तब हम क्या बोलेंगे कि HF जो है पानी में सोल्यूबल है, HF पानी में सोल्यूबल है लेकिन HCl नहीं है, HF पानी में सोल्यूबल है लेकिन HCl नहीं है, क्या रीजन होगा इसका? सर HF पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाँ, HF पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा लेकिन HCl नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है, कई बार बोलते हैं Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है नाइट्रोजन की तरह या उससे ज्यादा ही है, फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्यों इन्वॉल्व नहीं होता, तो एक आंसर इतना सिंपल, क्या कि Cl का साइज बड़ा है, Cl का साइज बड़ा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, Cl का साइज बड़ा है चाहे उसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, लेकिन उसका साइज बड़ा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई डाउट? नहीं सर। सर होमो, सर ये होमो में HF एक एग्जांपल है? हाँ। ओके सर, होमो में HF के साथ HF आ गया, देखो मैंने FON लिखा है ना, मैंने FON लिखा है, FON तो HF हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा, H2 हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा, NH3 हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा, समझ आएगा कि नहीं है ध्रुव? यस सर, आगे ना HF होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, H2 होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, NH3 होगा, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, FON इन तीनों एटम में से किसी एक के साथ अगर H आ जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो F के साथ H आया तो HF बन गया, HF की HF के साथ इंटरमोलिकुलर, और वो भी होमो इंटरमोलिकुलर, होमो इंटरमोलिकुलर, H2O की H2 के साथ होमो इंटरमोलिकुलर, NH3 की NH3 के साथ होमो इंटरमोलिकुलर, लेकिन HF की H2O के साथ पानी में सोल्यूबल है तो इसे बोलेंगे हेट्रो इंटरमोलिकुलर, और ये शो कर रहा है कि HF पानी में सोल्यूबल है, उसी के नीचे HCl आता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता, वो पानी में सोल्यूबल होता है लेकिन कम होता है, वो पानी में सोल्यूबल है लेकिन कम सोल्यूबल, डाइल्यूट HCl बोलते हैं ना, डाइल्यूट HCl। शरद पूछ रहा है? नहीं सर, मैं ध्रुव बोल रहा था, वो हेट्रो में नहीं आएगा ना सर? तू क्यों क्यों नहीं आएगा बता पहले हेट्रो में? सर क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, तो सर वो अलग अलग रहेंगे ना, उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी।
बॉन्डिंग फिर तू खुद सोच मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था ध्रुव, ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है ना, ये हेट्रो हेट्रो मॉलिक्यूल में तो आएगा ही, हेट्रो बॉन्डिंग में तो आएगा लेकिन हेट्रो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं आएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अब HF पानी में सॉल्युबल है क्यों, क्योंकि HF पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। फिर अमोनिया पानी में सॉल्युबल होता है, अमोनिया जो है ये रहा अमोनिया, देखो अमोनिया की अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे हम कहेंगे कि इसके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बढ़ जाएगा। N पे 3 नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, 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 N पे 3 नेगेटिव, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, N अपना लोन पेयर दे रहा है, ये वाला N जो है अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव को दे रहा है, तो ये लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इससे शो होगा कि अमोनिया का अपने ग्रुप के अंदर जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SBH3 है, BIH3, तो बोलेंगे अमोनिया जो अपने ग्रुप में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या इस पर फर्क पड़ जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज, समझे कि नहीं है। लेकिन अब जैसे अमोनिया मैं कहूँ पानी इस ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो पानी में सॉल्युबल है तो क्या कहेंगे, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया ही सॉल्युबल है, अमोनिया पानी में सॉल्युबल है, अमोनिया पानी में सॉल्युबल है, लेकिन PH3 जो है वो पानी में बबल्स बनाता है, अमोनिया पानी में सॉल्युबल है इस तरीके से। ये फिर वाटर का दिखाना, वाटर के साथ H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, N पे 3 नेगेटिव, यहाँ H पे पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो ये पानी में सॉल्युबल है, लाइक दिस अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, बट PH3 उसी के नीचे है जस्ट, वो पानी के अंदर बबल्स बनाता है। ये क्वेश्चन स्कूल में आते हैं क्वेश्चन, ये अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बट PH3 फॉर्म बबल्स इन वाटर, HF इज मोर सॉल्युबल देन HCl इन वाटर, HF इज मोर सॉल्युबल देन HCl इन वाटर, अमोनिया सॉल्युबल बट PH3 फॉर्म बबल्स अपने ग्रुप में, अपने ही ग्रुप के अंदर। HF तो क्या है, HF क्या है, लिक्विड है, लेकिन उसी के नीचे HCl क्या है, गैस है, HF लिक्विड होता है लेकिन HCl क्या होता है, गैस, क्यों, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी अपने ही ग्रुप के अंदर H2O जो है, H2O वो तो लिक्विड है लेकिन उसके नीचे H2S है, वो क्या है, गैस, तो क्यों, क्योंकि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि H2O के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रहा है कि नहीं, ये जितने स्ट्रक्चर बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले वो सब तुम्हें बनाने हैं, सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं दो दो बार, ध्यान चीज का, नहीं तो ये क्योंकि तुम्हें पता पूरी केमिस्ट्री में पूरी ऑर्गेनिक के अंदर भी यूज होगा, स्ट्रक्चर जरूर बना के लाना है, वेटनेस जो दो दो बार है, H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से, देखो H पे पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया। अभी ये O पे 2 नेगेटिव है ना, तो ये यहां से भी अट्रैक्ट कर सकता है किसी H2O के मॉलिक्यूल, ये O पे यहां से भी किसी H2O के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है H2O, और इसी वजह से H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसी के नीचे H2S है, वो गैस है, क्योंकि H2S के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, H2O के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये याद रखना। अब जैसे मैंने तुम्हें दिया HF, H2O और NH3, HF, H2O, NH3, और मैंने बोला इसको अरेंज करो इसको बॉइलिंग पॉइंट में, इन तीनों को अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या आंसर आएगा, और इन तीनों को अरेंज करना है सेम मेल्टिंग पॉइंट में, तो क्या आंसर आएगा, HF, H2O, NH3, तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF, H2O, NH3, चलो बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे, HF, H2O, NH3 को बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज कर, ध्रुव तमर, ध्रुव, यस सर, ध्रुव तू पेपर खत्म हो गए स्कूल में, पेपर खत्म हो गए कि नहीं, सर दो पेपर बचे हैं बस, दो बचे हैं अभी, चल फिर सुनाने का काम स्टार्ट कर दियो उसके बाद, ठीक है सर। आर्यन, दोनों में सेम होगा 1 2 3, सही है शरद, हाँ हिमांग आंसर बोल, सर H2O, HF फिर NH3, यस सर मेरा भी सेम है, किसका सेम है सर, ध्रुव का,
रीजन दे दो सर, क्योंकि सर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सर NH3 में सबसे ज्यादा तीन तीन मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, H2 में दो और HF में खाली एक है, तो NH3 सबसे ज्यादा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ सर, मेरे को लगा हिमांग भैया ने यही बोला। नहीं नहीं नहीं, ये सर H2 सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा H2 का है, फिर HF का है, फिर NH3 का है, होना चाहिए HF H2 NH3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो काउंट होगा, स्कूल में नहीं पूछे जाएंगे, स्कूल में इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान सुनेंगे। ऑक्सीजन जो है, ध्यान सुनना क्वेश्चन, स्कूल के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, येट वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर। समझे कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट H2 का ज्यादा क्यों है? ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, येट वाटर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर। तो सिंपल सा आंसर है, तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर चेक करो इसके, जो मैंने वाटर के बनाए हैं उसके अंदर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ बनाता है। ये H2 है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव। तो ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, ये वो पे 2 नेगेटिव है, तो ये एक और यहां से दूसरा, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 नेगेटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, है tendency to form two hydrogen bonds at a time. लेकिन HF में तो एक ही negative है, तो ये तो एक ही hydrogen bond बना रहा है, चाहे वो strong है। मान लो इधर strength अगर तुम्हारी 40 आ रही है और इधर 30 आ रही है, तो 30 और 30 60 हो गई कि नहीं, समझ आया कि नहीं है? Yes sir. Yes sir. तो ये था ना कि water boils at higher temperature as compared to HF because oxygen has tendency to form two hydrogen bonds. Whereas fluorine forms only one. और एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? Four. चार. देखो, टू नेगेटिव से दो बन गए, टू नेगेटिव मतलब दो लोन पेयर भी है, ध्यान रखना टू नेगेटिव का मतलब दो लोन पेयर भी है, इसलिए बनेंगे। वो के पास दो लोन पेयर होते हैं कि नहीं H2O के अंदर? Yes, sir. हाँ, तो दो तो वहां से बन गए, मैं दोबारा शो कर रहा हूँ उसको, एक ये वाला, एक ये, और एक ये ऑक्सीजन बनाएगा और एक ये ऑक्सीजन, तो कितने चार हो गए कि नहीं? एक वाटर मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? फोर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया? यस सर। और एक एचएफ का मॉलिक्यूल कितना बनाएगा? टू। दो। एक एचएफ का मॉलिक्यूल दो बनाएगा, एक एचएफ को मॉलिक्यूल दो बनाएगा, फ्लोरीन जो है वो एक ही बना रहा है, फ्लोरीन एक ही बना रहा है। ऐसे ही एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने बना रहा है? दो। हाँ, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब इसमें ना क्वेश्चन आता है, अब तुम्हें समझ आ गया क्यों ऐसा, क्यों वीक हो गया है? ये NH3, ध्यान देंगे NH3, क्वेश्चन आता है कि HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, मैंने तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रखी है इधर A, इसमें से लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? HF, अमोनिया, H2O और C NH3 और D ऑल। इन विच द फॉलोइंग देयर इज लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो सर, मेरा क्वेश्चन क्या है, इन विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? HF में है, H2O में है, NH3 में है, या सब में? तो आंसर इसका है अमोनिया। तुम्हें दिख रहा होगा कि ये तो HF में भी शो कर रखी है मैंने, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, जल्दी में हम शो करते हैं ऐसे, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, H2O के अंदर तो लीनियर है ही नहीं, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भी चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, समझ आ रही बात कि नहीं? सिर्फ अमोनिया ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लीनियर हाइड्रोजन बॉन्ड है,
ना अमोनिया के अंदर क्या होगा, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर फिर कैसे बनाते हैं HF का? बताऊंगा बिल्कुल। NH3 के अंदर ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लीनियर। सर अमोन सर हाँ बोलो ना। सर अमोनिया में एक ही हाइड्रोजन क्यों बना रहा है? वो अभी आया था ना, मेरे को पता नहीं। हाँ कुछ होता अमोनिया में एक हाइड्रोजन एक तो देख सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो ये जो क्वेश्चन आप करवा रहे हो। मैंने बोला HF H2 NH3 में किसमें लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो अमोनिया के अंदर है सिर्फ, क्योंकि अमोनिया में अगर मैं तुमसे कहूँ प्रेशराइज करके हम अमोनिया के अंदर कितने फॉर्म बना, या अमोनिया सॉलिड फॉर्म में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में? तीन बना लेगा कि नहीं? अच्छा छह बनाएगा। ये प्रेशराइज करके बनते हैं, प्रेशराइज करके, नहीं तो इनमें रिपल्शन होगी ना बॉन्ड्स के अंदर। हाँ ठीक है ठीक है। तो अमोनिया सॉलिड फॉर्म में छह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज एक अमोनिया का मॉलिक्यूल सिर्फ दो बनाएगा, एक ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और एक आगे बस। तो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ अमोनिया में H2O में नहीं है, इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। और NH3 के अंदर दिखा दिया मैंने, NH3 के अंदर एक तो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O में कोई लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, HF में भी लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है, HF में भी लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, मतलब अमोनिया गैस है इसलिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो तुम HF को ही लिक्विड बोलते हो, HF लिक्विड है लेकिन H2O भी लिक्विड है, लेकिन अमोनिया तो गैस है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी सबसे कम आना था। अब मैं बोल, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलूंगा तब आंसर क्या आएगा मेल्टिंग पॉइंट में? मेल्टिंग पॉइंट में आंसर क्या आएगा? सेम ऑर्डर होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखें, किसी को बोलना आंसर जिसे पढ़ रखा है? NH3 फिर H2O फिर HF, NH3 फिर H2O फिर HF। सर HF H2O और NH3, HF H2 NH3। देख अगर NH3 का लीस्ट तो नहीं आएगा ना, अभी मैंने एक लाइन बोल दी है, NH3 के अंदर सॉलिड फॉर्म में छह हाइड्रोजन बनते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, समझ गया कि नहीं? यस सर। तो मेल्टिंग पॉइंट ये तो नहीं होगा ना कि अमोनिया का लीस्ट हो जाए, सॉलिड फॉर्म में वो छह हाइड्रोजन बना रहा है, वाटर चार बना रहा है लेकिन ऑक्सीजन की एक्टिविटी ज्यादा है, HF सिर्फ दो ही बना रहा है, तो आंसर इसका है मेल्टिंग पॉइंट का H2O का ही ज्यादा है, बस NH3 आगे पहुंचा देना HF को पीछे कर, समझ गए कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट में H2O HF NH3 था, मेल्टिंग पॉइंट में H2O NH3 HF। बस मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, स्कूल का जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि ऑक्सीजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब भी पानी ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल करता है देन HF, ये क्वेश्चन याद रखना जरूर, सही है? यस सर। तो ये यहाँ पे तीन कंपाउंड के बारे में बताया मैंने तुम्हें अभी, अब अभी मैं इसकी डिटेल और लूंगा। मैंने तुम्हें एक लाइन बोली कि कभी भी सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कुछ आता है, कभी भी सॉलिबिलिटी से रिलेटेड कुछ आता है तो तुम बोल उस कंपाउंड के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर के साथ दिखाओगे, जैसे अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, तो अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड किससे दिखाएंगे? अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ दिखाएंगे। मैंने बोला HF इज सॉल्युबल इन वाटर, तो HF के हाइड्रोजन बॉन्ड किससे दिखाएंगे? वाटर के साथ। मैंने यहाँ HF का HF के दिखाया, जब HF का HF के साथ है तो मैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और HF का H2O के साथ है तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, NH3 का NH3 के साथ है तो मैं बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की, NH3 का वाटर के साथ है तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्लियर हो गया कि नहीं? ये एक्सक्यूज मी सर बोल रहा हूँ सर, HF की टेट्राहेड्रल शेप बनेगी ना उसकी ज्योमेट्री की वजह से, sp3 टेट्राहेड्रल बोल नहीं सकते ना, तीन लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर तो कोई शेप ही नहीं होती ना। अच्छा ओके नहीं क्लियर है? हो गया सर समझ गया, ये ध्यान रखना इसको। अच्छा नेक्स्ट अप है, अब HF के अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी HF के अंदर, ये क्वेश्चन IIT का है और 77 का क्वेश्चन है, अभी वापस नहीं होगा किसी के पास। HF के अंदर, HF के अंदर पहला केस दिया मैंने HF, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पहला केस, कंटिन्यूड है ये आगे भी। दूसरा केस HF के अंदर FH
इस तरीके से होगी 140 के एंगल। तीसरा केस एच एफ इस तरीके से, इस तरीके से होगी 140 एंगल। डी एक पॉसिबिलिटी और, जैसे एफ एच चलो इन्हीं में जाओ, छोड़ो रहने उसको, रहने अगर हम देखें तो एच एक टाइप से एसपी हाइब्रिडाइज हो गया, तो एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एफ के पास क्या है, लोन पेयर है ना, देखो ये सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंगल जो है वो एफ के राउंड होना चाहिए। ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर तो बॉन्ड अगर बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बेंड शेप होनी चाहिए एफ के राउंड। यहाँ पे मैंने एच के राउंड दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने एच के राउंड एंगल दिखा रखा है 140 का, और एंगल किसके राउंड आना चाहिए, एफ के राउंड। देखो इधर भी 140 आ रहा है, किसके राउंड, एफ के राउंड, समझ गए कि नहीं है। इसीलिए सेकंड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, यहाँ पे एफ के राउंड एंगल 180 का है। क्लियर हुई बात की नहीं सर, एक बार रिपीट करना सर, बात समझ आ गई कि नहीं है। एफ के राउंड एंगल चेक करना है, एफ के राउंड एंगल 180 है, यहाँ पे एफ के राउंड एंगल कितना है 140 का, तो इसे ये करेक्ट है, एफ के राउंड एंगल आना चाहिए 140 का। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये भी ना स्ट्रक्चर, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, यहाँ पे एफ आया तीनों एफ आ रहे हैं ना, ये आना है तो, क्योंकि तीनों एफ मेरे पास, इसमें एफ में तीनों मेरे पास होती है, तो एक जगह एफ आए, फिर एच आए, फिर एफ आए, फिर एच आए, फिर एफ आए, ऐसे आए, तो सबसे करेक्ट स्ट्रक्चर वो होगा। तो इसलिए मैं चौथा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था ना, वो यही वाला था। गर्व समझ आया क्या बोला मैंने? यस सर, ये ध्यान रखना चीज का। अभी मैंने तीन स्ट्रक्चर दिया, नहीं तो फोर स्ट्रक्चर भी देता मैं। तो एचएफ के अंदर इस तरह से हाइब्रिड बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो एक बार नेक्स्ट रीजॉइन कर लेंगे, फिर दे रहा हूँ।